जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कीर्ति ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईबीएसबी कैंप क्या होता है और ईबीएसबी कैंप में क्या क्या होता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ईबीएसबी कैंप विच इज एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप ईबीएसबी कैंप अटेंड करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीएसबी कैंप। नाउ ईबीएसबी कैंप इज एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। एनसीसी में हर एक डायरेक्टरेट में हर साल ईबीएसबी कैंप्स लगते हैं। हमारे कंट्री में 17 डायरेक्टरेट्स हैं, जिसमें कि सारे डायरेक्टरेट में ना ईबीएसबी कैंप लगता है। तो क्या है ईबीएसबी कैंप? नाउ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ईबीएसबी कैंप क्या है। तो ईबीएसबी कैंप एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप है। नाम से ही पता चलता है कि हमारे जो भारत के कैडेट्स हैं उनको एक करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, ये एम होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का। जो अदर डायरेक्टरेट के बच्चे हैं ना उनको और जो दूसरे डायरेक्टरेट के बच्चों से मिलाना, उनको इकट्ठा करना और उनके अंदर देश प्रेम और एकता की भावना को जागृत करना, ये ईबीएसबी कैंप का मेन एम होता है। और जब ईबीएसबी कैंप्स होते हैं ना, तो जैसे कि दो डायरेक्टरेट हैं, मान लो गोवा और कर्नाटका और एक मान लो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो ईबीएसबी कैंप है ना उसमें दो डायरेक्टरेट साथ में आते हैं, जिसमें कि एक डायरेक्टरेट होता है होस्ट डायरेक्टरेट, दूसरा होता है गेस्ट डायरेक्टरेट। नाउ जैसे कि गोवा और कर्नाटका एक डायरेक्टरेट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक डायरेक्टरेट है। तो अगर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैडेट्स हैं वो गोवा और कर्नाटका डायरेक्टरेट में आएंगे तो वो गेस्ट डायरेक्टरेट कहलाएंगे और जो गोवा और कर्नाटका डायरेक्टरेट है वो होस्ट डायरेक्टरेट कहलाएंगे। जो ईबीएसबी कैंप की स्ट्रेंथ होती है ना वो ऑलमोस्ट 500 कैडेट्स होती है, जिसमें कि जो होस्ट डायरेक्टरेट होते हैं उनके ज़्यादा कैडेट्स होते हैं और जो गेस्ट डायरेक्टरेट होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 100 कैडेट्स होते हैं जो कि आए हुए होते हैं दूसरे डायरेक्टरेट। अभी ये कैंप जो होता है वो कितने दिन का होता है? तो ईबीएसबी कैंप ना 10 डेज का होता है, जिसमें कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके कल्चरल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप अपने कल्चर शो करते हो, आप अपना कस्टम और ट्रेडिशन शो करते हो। जैसे कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हो तो वहाँ पे क्या फेमस है, अगर आप गोवा और कर्नाटका डायरेक्टरेट से हो तो वहाँ पे क्या फेमस है, आपके कस्टम, आपके ट्रेडिशंस, आपके कल्चर और आपके कुजीन्स क्या क्या हैं। सो ये सारी चीज़ें हम एक्सचेंज करते हैं वन डायरेक्टरेट टू अनदर डायरेक्टरेट। यहाँ पे क्या होता है, हम अलग अलग स्टेट से आए हुए होते हैं, क्योंकि गोवा और कर्नाटका अलग है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग स्टेट है, तो चार स्टेट हो गए। तो अभी अलग अलग स्टेट के जो बच्चे जब साथ में मिलते हैं, जब दो डायरेक्टरेट साथ में मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, लैंग्वेजेस और भी बहुत सारी चीजें। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जिसमें कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है और हमारे बहुत सारे अलग अलग स्टेट में फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और हमें पता चलता है कि यार वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं अच्छी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी हैं घूमने के लिए और हिस्टोरिकल प्लेसेस। सो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है ईबीएसबी कैंप में। और मैंने भी ईबीएसबी कैंप अटेंड किया तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो ईबीएसबी कैंप होता है ना, सो जहाँ पे भी जो भी होस्ट डायरेक्टरेट होता है वहाँ पे जब अदर डायरेक्टरेट के बच्चे आते हैं, कैडेट्स आते हैं, तो उनको जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वहाँ पे घुमाने ले जाया जाता है और वहाँ की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है और एक्सप्लोर कराया जाता है। बेसिकली एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपको ईवीएसबी कैंप में। तो अगर आपको कैंप भी करना है और एंजॉय भी करना है ना, तो आपको ईवीएसबी कैंप जरूर करना चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ईवीएसबी कैंप में, जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन हो गया और आपका रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन हो गया, आपका स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो गया, आपके डिबेट कॉम्पिटिशन हो गए। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते। पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, सो लास्ट में ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो भी बेस्ट कैडेट होता है उसको एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, प्राइज मिलता है और कुछ कैश प्राइज भी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करना है और कैंप भी अटेंड करना है और मजे भी करना है, घूमना भी है, तो आपको ईबीएसबी कैंप जरूर अटेंड करना चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं, सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है और जब आप ईबीएसबी कैंप अटेंड करते हो ना तो आप ABC सर्टिफिकेट एग्जाम आंसर करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो दैट इज वेरी बिग पॉइंट हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस कैंप। तो जब भी ईबीएसबी कैंप होता है किसी भी डायरेक्टरेट में, एज आई टोल्ड यू दैट इन आर कंट्री टोटल 17 डायरेक्टरेट्स आर देयर। सो सारे डायरेक्टरेट्स में कैंप्स होते हैं पर सारे डायरेक्टरेट्स में अलग अलग टाइम पे होते हैं। सो मैं गोवा और कर्नाटका डायरेक्टरेट की कैडेट हूँ। सो
हमारे जो कैंप्स लगे थे ना वो सितंबर में लगे थे, पर जो जो अलग अलग डायरेक्टरेट है ना उनमें अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर जो है वो ईवीएसबी कैंप्स लगते हैं। और जब भी ईवीएसबी कैंप की जो वैकेंसी आती है ना वो आपके डायरेक्टरेट को आती है, डायरेक्टरेट के बाद से आपके ग्रुप हेडक्वार्टर में आती है और उसके बाद में आपके यूनिट्स में जितने की और जितनी भी वैकेंसीज होती है ना वो आपके यूनिट्स में बढ़ जाती है और उसके बाद में आपके कॉलेज में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि हाँ हाँ इतनी इतनी वैकेंसी है। तो आपको अगर उसके बारे में पहले से पता है तो आप अपने एएनएस को रिक्वेस्ट करते हो कर सकते हो, अपने सीओ सर को, और आप ईवीएसबी कैंप इजीली कर सकते हो। सो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।